नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। जिला फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज प्रांगण में ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी नेताओं के मुख्यमंत्री का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के स्टेज पर चढ़ते ही सुहाग नगरी गूंज उठी। दरअसल आपको बता दें कि सुहाग नगरी में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमकर अपराधियों के खिलाफ बरसे। उन्होंने गरजते हुए ऐलान किया कि प्रदेश से गुंडे माफिया बाहर हो चुके हैं, मगर चंड मुंड फिर भी बाहर निकलते हैं तो अगले चौराहे पर ही ढेर कर दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश की जनता को सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन और जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुहाग नगरी में 3 अरब से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यहां कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे हैं। इस दौरान उन्होंने फिरोजाबाद की चूड़ी और कांच उद्योग की प्रशंसा करते हुए उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ किसी का चेहरा देखकर नहीं दिया जा रहा, बल्कि सभी को बिना भेदभाव की योजना से लाभान्वित किया जा रहा है, तो फिर बीजेपी से भेदभाव क्यों? उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार पर लोगों के डिंपल को जितवाने की अपील करने में जुटे शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। सेफई ब्लॉक क्षेत्र में एक गांव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब जब बहू डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं तो हम भी एक हो गए, और सभी लोग कहते थे कि एक हो जाओ, अब हम लोग एक हो चुके हैं। हमने अखिलेश से भी कह दिया है कि हम अब लोग एक ही रहेंगे, और हमें डिंपल से कह दिया है कि अगर अखिलेश गड़बड़ करे तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। अब हम लोगों को एक दो चुनाव ही लड़ने हैं, आगे तो लड़ने ही चुनाव लड़ते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि नेताजी के ना रहने से इस चुनाव में मेरी प्रतिष्ठा है। और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि एक हो जाओ, और अब हम लोग एक हो गए हैं। बहू डिंपल को फोन आया कि चाचा, चुनाव में आपको साथ रहना है और आगे भी हम सब एक होकर रहेंगे। बहू की बात मानकर एक हो गए हैं, अब हम और अखिलेश भी एक ही रहेंगे। हमने डिंपल से भी कह दिया है कि हमारे एक होने की गवाह तुम हो। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को गलत बताते हुए कहा कि इस सरकार में सरकारी तंत्र में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। थाना चौकी में खुलेआम रिश्वत चल रही है। जो काम पहले 100 रुपए में हो जाता था अब 1000 से भी नहीं हो रहा है। और इस सरकार ने किसान बिजली के मुकदमों से परेशान है। और इस बार नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, और इसमें नेताजी के सम्मान के लिए सबको बढ़ चढ़कर मतदान कर डिंपल को 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत दिलवाना है। लखनऊ में बहुचर्चित केस कमलेश तिवारी हत्याकांड के 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक परिवार को न्याय नहीं मिला है। बता दें आपको कि न्याय के लिए पूरा परिवार भटक रहा है। वहीं न्याय की मांग को लेकर कार्यालय से पैदल मार्च निकाला गया। पुलिस ने कार्यालय के कुछ दूर पर पैदल मार्च को रोका। पुलिस और कार्यकर्ताओं में भिड़ंत भी हो गई, और वहीं कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी शुरू कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने कार्यकर्ताओं का जो देखा उसको कुछ देर तक देखते हुए परमिशन वहां पर दे दी गई, और पुलिस ने पीड़ित परिजनों का ज्ञापन भी ले लिया है। प्रेम स्वरूप शुक्ला प्रेमाचार्य, मैं प्रधान महासचिव हूँ हिंदू समाज पार्टी का। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि समझौता वार्ता में आपने कहा था कि हम फास्ट ट्रैक में मामला चला करके 6 महीने में हत्यारों को फांसी पे चढ़ाने का काम करेंगे। आज 4 साल हो गए। योगी जी, आप हिंदूवादी नेता हैं, हम आपसे न्याय की आशा नहीं कर सकते तो किसके पास जाएं?
अगर आप हमें न्याय नहीं दे सकते तो हमारे पास फिर एक ही रास्ता बचता है जो हमें संविधान देता है कि हम न्याय के लिए सड़कों पर उतरें और आपको याद दिलाएं, क्योंकि आप भूल चुके हैं। आपको बार बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, आप तक हमारी बात नहीं जा रही है, तो हम आप तक अपनी बात सविनय ले जाने के लिए केवल एक ही मार्ग को अख्तियार करेंगे, वो है शांतिपूर्ण न्याय यात्रा का। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव सिफई और जसवंत नगर क्षेत्र में हैं और जगह जगह जाकर नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रही हैं। आपको बता दें कि लोगों से बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं और इस दौरान नुक्कड़ सभाओं में भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है। डिंपल यादव अपनी सभाओं में समाजवादी पार्टी के सरकार में करवाए गए विकास कार्यों, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को बताते हुए नेताजी के सम्मान में लोगों से वोट मांग रही हैं। उनका कहना है कि वो मैनपुरी और सेफई की बहू हैं और ये चुनाव नेताजी के सम्मान का चुनाव है। नेताजी के सम्मान में सभी लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलवाने की अपील कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव सेफई जसवंत नगर क्षेत्र में जगह जगह नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर लोगों से अधिक संख्या में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं और रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलवाने की भी अपील कर रही हैं। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहला चुनाव है जब नेताजी हम सबके बीच में नहीं है, ये चुनाव नेताजी के सम्मान का चुनाव है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के बुजुर्गों ने नेताजी की समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं नेताजी की बहू हूँ और इस क्षेत्र की भी बहू हूँ। सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भारी मात्रा में मतदान कर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार मुट्ठी भर अनाज तो दे रही है लेकिन किसी को नौकरी नहीं दे पा रही है। गाँव के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार अग्निवीर योजना से युवाओं को वीर तो बना रही है लेकिन 4 साल बाद इन वीरों की नौकरी की छीनने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि नेताजी ने किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई, महिला पेंशन, गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम किया है और मौजूदा सरकार में बिजली वाले लोग किसानों पर मुकदमे लिखकर उनका शोषण कर अवैध वसूली कर रहे हैं। हमारा घर है, नेताजी का घर है यहाँ और लोग जिस दिन 5 तारीख को बटन दबाए जाएंगे तब आप देखेंगे ऐसी ऐतिहासिक जीत और सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को अपने जा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ इटावा से हमारे सहयोगी रोहित सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, डिंपल यादव का बयान सामने आया है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, आपको बता दूं मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं डिंपल यादव और नेताजी के नाम पर जो है चुनावी कैंपेनिंग कर रही है लगातार। सैफई, जसवंत नगर और गांव-गांव जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है और नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर रही हैं और मुलायम सिंह यादव के नाम पर सच्ची श्रद्धांजलि के नाम पर डिंपल यादव लोगों से यह अपील कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मतदान कर जो है नेताजी के पक्ष में मतदान करके समाजवादी पार्टी को जितवाने का काम करें, क्योंकि यह चुनाव जो है उनका चुनाव नहीं है, नेताजी का चुनाव है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव का निधन के बाद यह सीट खाली हुई है और इस सीट पर जो है उपचुनाव हो रहा है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया है नेताजी की श्रद्धांजलि। ये नुक्कड़ नाटक के जरिए जो संबोधित किया जा रहा है इसका कितना असर देखने को मिल सकता है आने वाले चुनाव में? बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा क्योंकि गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन हो रहा है और जगह जगह डिंपल यादव का गांव के लोग खड़े होकर भारी मात्रा में इनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं, जिसको देखकर बकायदा लग रहा है कि इटावा और मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो है भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है, क्योंकि दोनों पार्टी इस सीट पर जो है अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाए हुए हैं। जी जी रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
सीतापुर के थाना रामकोट के ही बिहड़गोट गांव का है मामला, जहां पर दो सगे भाइयों की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बताते चले आपको कि दिन दहाड़े निर्मम हत्या हुई है, धारदार हथियार से प्रहार कर मौत के घाट उतारा गया है। और बताया जा रहा है कि लकड़ी कटान को लेकर पारिवारिक विवाद में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दिन दहाड़े की गई दो सगे भाइयों की हत्या की गई है और बड़े भाई और उनके बेटों पर हत्या का आरोप लगा है। भारी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने वाले हत्यारे मौके से फरार हो चुके हैं। जानकारी मिलते ही घटनास्थल के लिए निकले पुलिस अधीक्षक, सीतापुर पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है कि रामकोट इलाके के बिहड़गोट गांव का है, जहां पर दो सगे भाइयों की हत्या का मामला सामने आया है और आरोपी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। सरकार के सख्ती के बावजूद तीन तलाक के मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामला संभल जिले के ही सामने आया है, जहां दहेज में कार और 2 लाख नहीं देने पर विवाहिता को 3 तलाक दे दिया गया। बता दें आपको कि हिंदूवादी संगठन के नेता दखल के बाद ही पुलिस ने 3 तलाक का केस दर्ज किया है। 3 तलाक का पूरा मामला जो है चंदोसी कोतवाली के मोहल्ला लक्ष्मणगंज का बताया जा रहा है, जहां पर दहेज में 2 लाख रुपए और एक कार के लिए पति ने महिला को घर से निकाल दिया और महिला मायके में रह रही है। पीड़ित महिला बुशरा के ही अनुसार 2 साल पूर्व उसका चंदोसी निवासी सालिम के साथ विवाह हुआ था और तभी से ससुराल वाले उसे तंग करने लगे थे और आरोप लगाया गया है कि ससुराल वाले विवाहिता से दहेज में कार और 2 लाख नगद की मांग करने लगे। जब विवाहिता ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया। आरोप है कि बीते 19 नवंबर को महिला का पति अपने परिवारजनों के साथ मायके में पहुंचा और अपने परिवार वालों के उकसाने पर 3 तलाक दे दिया। इससे महिला परेशान हो गई और थाने पहुंची, जहां हिंदूवादी नेता कौशल किशोर वंदे मातरम के दखल के बाद पुलिस ने आरोपी पति सालिम, ससुर इस्लाम और सास भूरी देवर हासिम और इसके साथ ही ननद नाजिया नंदोई बबलू सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। और चंदोसी कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह परवार ने बताया है कि 3 तलाक पीड़िता के तहरीर के आधार पर पति सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पूरे जो मामले की जाँच की जा रही है। हाँ, जैसे कि हमारे संगठन में और उसमें महिला सुरक्षा सम्मान के लिए कार्रवाई करवाने की बात होती है, तो एक महिला जो है चंदोसी की है और बेचारी बहुत ही गरीब, निहाती गरीब और पीड़ित है वो 3 तलाक से। तो वो यहाँ आकर हमें मिली थी, उसने गुहार लगाई थी और रो रही थी, उसके संग करीब 8-9 महीने का 1 साल का बच्चा है उसके साथ। और ऐसी गरीबाई हालत में उसके पति ने 3 तलाक का उत्पीड़न करके उसे घर से बाहर बेदखल कर दिया। लखीमपुर खीरी में दलित बहनों की रेप के बाद हत्या मामले में आर्थिक रूप से सहायता दिए जाने में कांग्रेस के चेक हुए बाउंस बताए जा रहे हैं। परिजनों ने कहा है कि उनका उड़ाया जा रहा है मजाक और थाना निघासन इलाके के एक गांव में ही 14 सितंबर को 2 नाबालिग दलित बहनों की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली थी। मामले में घटना के तुरंत बाद ही यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई और 6 आरोपी अरेस्ट हुए थे और 14 दिन में चार्जशीट भी फाइल हुई। 25 लाख रुपये मुआवजा दिया गया था और एक घर और सरकारी नौकरी ऐलान भी हुआ था इसका देने का। आपको बता दें कि मुआवजे देने का भी ऐलान किया गया था और घटना के दिन से सभी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस, सपा, बसपा और दूसरी पार्टियों के नेता पहुंचे, फोटो खिंचवाते हुए चेक दिए गए और साथ ही निभाने और न्याय दिलाने के वादे भी किए गए और 68 दिन गुजर गए और यूपी कांग्रेस कमेटी का 2 लाख का चेक, कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार चौधरी का 1 लाख का चेक और यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी का 1 लाख का दिया चेक बाउंस हो गया है। आपको बता दें कि एक चेक सिग्नेचर मैच न होने से रिजेक्ट हो गया है। वहीं परिवार का आरोप है कि अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को लिखित में आर्थिक मदद और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भरोसा दिया था और इनमें 16 लाख रुपए को पीड़ित परिवार को मिले थे, लेकिन प्रशासन ने लिखित में जो दिया था वो अभी तक नहीं मिला है।
आपको बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बता दें कि दलित बहनों की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कई नेता परिजनों के पास पहुंचे थे और उन्हें चेक दिया गया था, लेकिन अब परिजन सरासर इल्जाम लगाते हुए नजर आए हैं कि उनके चेक बाउंस हो गए हैं। जी बोल रहे थे कि योगी जी 25 लाख रुपए देंगे, सब भी पट्टा और एक आवास और नौकरी एक सरकारी, ये सब बोल के गए थे। अभी तक कुछ नहीं मिला है और जो चेक देखे गए थे वो भी बाउंस हो गई हैं। किसकी चेक थी वो? कांग्रेस पार्टी की। कितनी चेकें थी जी? 3 थी, एक चेक तो उसमें से आई है। 3 लाख रुपए नहीं आए हैं, 2 चेक हैं। और किसकी बाउंस हुई? एक अमित जानी की। अमित जानी जी, ये तीनों ये सभी चेकें जो है जी बाउंस हो गई। जी आपको कुछ आरोप है कि जब आप पेशी पर जाते हैं तो आपको धमकी मिलती है? जी जी। जब जेल से निकलेंगे तो आपको देख लेंगे? जी जी। वही छोटू और करीमुद्दीन आरिफ ये कहते हैं जब हम जेल से निकलेंगे तब बताएंगे तुमको। आपने गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के ही जटेपुर चौकी क्षेत्र के प्रसिद्ध ज्वेलरी की दुकान में एक महिला का हार चोरी करते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। बड़े घर की दिख रही महिला ज्वेलरी की दुकान में हार खरीदने गई थी, लेकिन महिला ने हार तो नहीं खरीदा बल्कि सोने के हार को ही चुरा कर जरूर ले लिया। और ये पूरी घटना कैंट इलाके के जटेपुर चौकी के बलदेव प्लाजा में ही मौजूद बेचूलाल शराफा प्राइवेट लिमिटेड के शोरूम पर 17 नवंबर को घटना घटी थी। और महिला ने जिस सोने के हार को अपने साड़ियों में छुपाया था उसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आंख पर चश्मा और मुंह पर मास्क लगाकर महिला शोरूम में आई तो किसी को उसका अंदाजा नहीं लगा कि ये चोर है, कि वो शोरूम से बिना हार खरीदे ही 10 लाख के हार को लेकर फरार हो जाएगी। लेकिन जब सीसीटीवी का वीडियो सामने आया तो शोरूम में अफरा तफरी मच गई। और इस पूरी घटना के बाद जब शोरूम में ज्वेलरी सेट चेक किया गया तो मालूम चला कि एक सेट कम है और इसको लेकर ही जान कर ही शोरूम में उपस्थित कर्मचारियों और मालिक के होश उड़ गए। दुकान में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मालिक अपने कर्मचारियों पर ही शक करने लगा। जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो हकीकत सबके सामने आ गई और एक महिला कस्टमर की चोरी सामने आई। और वीडियो देखते ही सभी वहां पर देखते रह गए। और इस पूरी घटना के बाद जटेपुर चौकी इंचार्ज धीरेंद्र राय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शराफा के यहाँ चोरी का मामला संज्ञान में है, पर दुकानदार की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। जैसे ही तहरीर मिलेगी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। और मामले में जब SP City से बात की गई तो उन्होंने भी बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार कर दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में इन दिनों जंगल के राजा जंगल छोड़कर ग्रामीण अंचलों में देखे जा सकते हैं। गांव के ही किनारे सड़कों पर खुलेआम निकल रहे तो वहीं पर गन्ने के खेत में ये आशियाना बना रहे हैं। गन्ने के खेत में बाघ की मौजूदगी के चलते ही किसान मजदूर डर के कारण खेत जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि लगातार बाघ कई लोगों को निवाला बना रहा है। इन बाघ को वापस जंगल जाने के लिए लगातार वन विभाग टीम लगाए हुए है। तहसील पलिया इलाके में ही सड़कों पर खुलेआम बाघ निकलने से राहगीर सहमे हुए हैं। तो वहीं गन्ने के खेत में तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से गन्ने के खेत में बाघ खुलेआम घूम रहे हैं। वन विभाग की टीम हाथिया के साथ पहुंची और बता दें आपको कि साफ देखा जा सकता है कि हाथी के सामने ही बाघ आराम से निकलता जा रहा है। तो ग्रामीण को शोरगुल करने का पर ही बाघ दूसरे गन्ने के खेत में लुप्त हो गया। सामने में ही DFO ने बताया है कि गन्ने के खेत अतिक्रमण पर वहां पर खेती की जा रही है और कभी कबार भटक कर यहाँ पर गन्ने के खेत में आ जाते हैं। कई टीमें लगी हुई हैं, जल्द ही इन बाघों को पुनः अपने इलाके में वापस खदेड़ कर दिया जाएगा। ये सुनिए, जंगल से
बाहर नहीं है, हमारा पहले जंगल था, अभी ज्यादा अतिक्रमण है, मेन कारण अतिक्रमण है, पलिया क्षेत्र में है हमारा 90% ईयर अतिक्रमण है, उसका ईयर हम लोग ने धीरे धीरे इंक्रोच की है। आजकल गन्ना काट रहा है वो लोग, मतलब है ना, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इधर उधर से घूम रहा है, सो इसी वजह से ये मतलब बाहर निकल के आ रहा है। और इसी का मतलब कारण से कभी कभी क्या होता है, वो बच्चे मतलब खाने के लिए नहीं कहा है, उतना रास्ते में आया है, अपने रास्ते में आया है, इसी वजह से थोड़ा सा मतलब है ना, वो भी अपना इनसिक्योरिटी होता है, इसी वजह से उसका मतलब है ना मार दिए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।